हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों, सुबह का समय हो रहा है, पक्षियों के लिए मैंने दाना पानी सब डाल दिया है, दाना डाल दिया है, पानी रख दिया है। और देखिए कितने खुश होके खा रहे हैं, कितने चहचहा रहे हैं। जो पक्षी होते हैं इनके लिए सुबह सुबह दाना पानी रखना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो धर्म कर्म से जुड़े रहिए अपने निजी कामों के साथ साथ। तो चलिए, अब मैं आ गई नादों के घर के सारे काम हो गए हैं। तो इधर अब मैं नहला रही हूँ कन्हैया को। और कन्हैया देखिए गर्म पानी में बैठे हैं, क्योंकि ठंडी लग रही थी तो गोपाल जी को मैंने गर्म पानी में इस तरीके से बैठा दिया। गर्म पानी है और जल्दी से नहला के इनको फटाफट तैयार करके मंदिर में आजकल नहीं बैठते हैं, पहले से ही वो बाहर ही बैठते हैं। और जल्दी से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है। तो दोस्तों, आज है शकट, शकट की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से। तो यहाँ पे बजरंगबली की अलग जोत जलाती हूँ मैं और बाकी भगवानों की अलग जोत जलाती हूँ। चलिए गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सर्दी में अपना पोंचू पहन के बैठे हैं, टोपी लगाए हुए हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा बाहर काम है, थोड़ा सा सामान भी लाना है और सलोनी के स्कूल में भी जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट पहुँचती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और हाँ, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि ये वीडियो और इससे एक और जो वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो मैं नहीं चाहती कि वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस करो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, पहुँच के आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जय माता दी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ सलोनी के स्कूल में, और सलोनी के स्कूल में कुछ काम था। और आज है शकट, शकट त्यौहार जो है, शकट चौथ है आज। तो शकट की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से। तो चलिए अभी सलोनी को लेते हैं स्कूल से, सलोनी की छुट्टी होने वाली है अभी, एक नहीं बजाए एक बजे उसकी छुट्टी होगी। तो यहाँ पे अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ, यानी कि इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज शाम तक ब्लॉग, तो आज शाम तक पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर पाऊँ जो जो आज मैंने करा हो। और दोस्तों, रेगुलर जो ब्लॉग हैं वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों को बता दूँ कि आपको बताना क्या है, आपको मेरे चेहरे को देख के पता लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, और इसी वजह से मैं कई दिन से ब्लॉग जो है शूट नहीं कर पा रही थी, यानी कि जो वीडियो है वो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से। क्योंकि अगर मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि जब ब्लॉग शूट हम करते हैं जैसे खुद करते हैं तो उसमें टाइमिंग मतलब टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कोई और है आपके पास ब्लॉग शूट करने वाला तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो मेरा क्या है, मैं खुद ही ब्लॉग शूट करती हूँ, यानी कि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, सारा कुछ खुद ही देखना पड़ता है मुझे। ऊपर से पूरा घर भी संभालना पड़ता है, पूरे बच्चे वगैरह सबको संभालना पड़ता है, आप जानते ही हो ग्रहणी का कितना काम होता है। और बस काम तो इतने होते हैं कि गिनवा भी नहीं पाएंगे हम। और जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। तो ये लोगों की सोच है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, कोई बात नहीं। जैसे जिसकी सोच, एक कहावत है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त त्रण देखी तैसी। तो ये इसका मतलब ये, जिसकी जैसी भाव है वो वैसे ही दूसरे को देखेगा। अब कुछ इंसानों के पास काम नहीं है तो उन्हें लगता है कि भाई जहाँ हमारे पास काम नहीं है तो औरों के पास भी काम नहीं है। लोगों की तो खैर बात ही क्या करना, अगर लोगों की बात हम करने लगे तो शाम भी मतलब पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और देखिए चेहरा एकदम मेरा अभी रेड रेड हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी थोड़ा कम हो रहा है। और जैसे ही मैं थोड़ा सोचने लग, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं थोड़ा सोचने लगती हूँ या मेरे दिमाग में प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, किसी चीज़ की टेंशन हो जाती है, तो उस वजह से मेरा जो चेहरा है बहुत जल्दी रेड होता है। और मुझे जो प्रॉब्लम हुई है कुछ
कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे हुई है कि मतलब उसमें मैं चारपाई पे मतलब लेटी हुई भी नहीं दिखती किसी को। एक होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि चारपाई पे लेट जाता है इंसान, यानी कि बेड रेस्ट होता है जो बेड पे लेट जाते हैं, तो वो लगता है कि हाँ इंसान बीमार है। लेकिन जो इंसान काम भी करता रहता है और उसे प्रॉब्लम भी है, तो उसकी बीमारी नहीं समझी जाती है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी का पता नहीं। और मुझे वही लगता है जो मैं लोगों को अपने प्रति, जो लोगों का मैं अपने प्रति बर्ताव देखती हूँ, आप क्या कह सकते हैं। तो दवाई मेरी चल रही है, दवाई मेरी कहाँ से चली है, मैंने जो अपना मेरा जो इलाज चल रहा है वो चल रहा है वृंदावन से, बिहारी जी की नगरी से। दुआ और दवा दोनों की ही मुझे ज़रूरत है। मैं अभी नहीं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ब्लॉग अगर थोड़ा सा लेट होता है तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूंगी। प्रॉपर नहीं रह पा रही हूँ मैं, रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, क्या कर सकती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ सलोनी के स्कूल में फ़ीस भरने के लिए। आपको बता दूँ सलोनी की जो फ़ीस है वो थोड़ी सी लेट हो गई थी इस बार, ऐसे तो टाइम से जाती रहती है लेकिन इस बार थोड़ी सी लेट हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं, हो गई, बस हो गई तो हो गई, अब नहीं तो अब क्या रीज़न बताऊँ आपको। तो आज है सकट में, वैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, हमारे यहाँ पे जो कचौरी है वो बनती है, आलू की कचौरी, और जो तिल होते हैं तिल को चूल्हे पे चटकाया जाता है। और गांव में क्या होता है, गांव में तो चूल्हा जलाते हैं उपले से, मतलब आग जलती पड़ो तो उसमें चटकाते हैं, लेकिन बाजारों में क्या है गैस है तो उसी पे अपना चटका देंगे थोड़ा सा, यानी कि तिल चढ़ा देंगे, अग्निदेव को तिल चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे में पूरी कचौरी बनते हैं, पूरी कचौरी, और आप पूरी बना सकते हैं, आलू गोभी की सब्जी बना लो, मटर पनीर से, वो तो अपने ऊपर है आपको क्या बनाना है। तो आज मैं सोच रही हूँ, जैसे मैं इधर आई हुई हूँ सबसे बासठ की तरफ, तो आज मैं हल्दीराम में भी जाऊँगी, देखती हूँ हल्दीराम में, और कोशिश करूँगी, यहाँ बासठ में हूँ मैं भी, तो यहाँ बासठ में नज़दीकी तिब्बत लग रही है, तिब्बत मार्केट में कोशिश करूँगी कि मैं जा पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो वहीं जाके मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को। ना इतना आ गई कहा, हल्दीराम का ये हम सब ये तो अलग है कुछ, ये हल्दीराम था, हल्दीराम भैया इधर शिफ्ट हो गो, हम तो हल्दीराम देख के। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आई हूँ हल्दीराम में, और हल्दीराम दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है, पहले रोड के इस तरफ था अब दूसरी तरफ आ गया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि हल्दीराम का नया लुक कैसा है। तो चलिए, यहाँ से कुछ बच्चों के लिए लेना भी है, काफ़ी दिन से मेरे पास कूपन पड़े थे तो मैंने सोचा चलिए इन कूपन को इकट्ठा करके इसलिए रखना, इनका कुछ सामान ले आते हैं। तो चलिए गोपाल जी के लिए कुछ ले कर चलते हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन जो भी आएगा, जितने भी कूपन हैं उतने में ही लेना है, ज़्यादा खर्च तो नहीं करना है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से फटाफट ले लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आजकल जो हल्दीराम है किस तरीके का दिख रहा है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, हो सकता है मुझसे पहले आप लोग आ गए हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये हल्दीराम जो इधर शिफ्ट हुआ है उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ हल्दीराम में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अंदर से हल्दीराम।
वाली सिंगल है पन्ना, लेकिन वो छोटी थी ना, अब ये कितनी बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, हल्दीराम से जो लेना था वो ले लिया है, पहुंचते हैं घर, मिलते हैं आपसे घर पहुंचने के बाद। तो आज क्या दिन है भाई? आज है सकट, पूरी या कचौरी? पूरी कचौरी। तुम क्या खाओगे जी? रोटी। और इधर चल रही है टाइगर 3, उधर बैठे हैं गोपाल जी, पियेंगे दूध। इधर आलू गोभी मटर की बन गई सब्जी, और इसके साथ मैं बनाऊंगी अभी पूरी, क्योंकि मैंने पहले दिखा दिया आपको। इधर दूध बन गया, पानी गर्म हो गया आटा गूंदने के लिए, और बस फटाफट आटा गूंदती हूँ, थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा सा गूंदूंगी और पूरी बनाती हूँ। ये वाला पहला दो खाली हो गए, इसमें से दही बल्ले, राज कचौरी, ढोकला और बड़ा पाव। बड़ा पाव कब लाए? 20 रुपये बचे, पैसा दे रहा मैंने, जो आजा 20 दे, वो बड़ा पाव आप मत देगा तो रास्ता में खा लियो तो भूख लगी बहुत। एक तो शेर अब ये है ये है आलू भुजिया 1 किलो में, 1 किलो हम दिखा ले पहले, एक करे पड़ो। ये है आलू भुजिया और इसका रेट है। ये है गोपाल जी के लिए बिस्किट और एक ये नमकीन है, एक पीला ये है और एक पीला ये है, दो पीला ये और एक नमकीन है। ये मैंने कही तो चटनी कर रहा है ना, अच्छी तो ये हम लेके आए हैं और मैं उसकी और दिखा दूँ। अरे ये आए थे सुबह गोपाल जी के लिए लड्डू तिल वाले, क्योंकि आज सकट है तो सकट पे तिल की चीज़ों का ही भोग लगता है, तो गोपाल जी को सुबह ही भोग लगा दिया था पूरी का, और पूरी का भोग लगेगा पूरी सब्जी का। और चलो सबने खा लिया, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सकट मिलती है।